Hi everyone. Hello students, welcome to all. Welcome to all YouTube channel. आप सभी का हमारे YouTube channel पर स्वागत है. और जैसा कि आपने कमेंट वीडियो का थंबनेल पढ़ा होगा कि 75 डे क्रैश कोर्स हम करा रहे हैं YouTube पर कॉन्सेप्ट विद PYQ. तो यहाँ हमारे क्वेश्चंस रेडी हैं आप सभी के लिए. तो ये सब क्वेश्चन हम यहाँ पर कवर करेंगे, ठीक है, वन बाय वन. और इनका डिटेल सोल्यूशन अपन डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है ना. अपन इनका डिटेल सोल्यूशन डिस्कस करेंगे स्टूडेंट. तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ. अगर थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करें तो वेलकम वॉरियर्स, आई एम अलका रानी फ्रॉम हरियाणा, केमिस्ट्री एक्सपर्ट एजुकेटर ऑन अनअकैडमी है. और अगर हम बात करें तो ऑर्गेनोमेटेलिक की, ठीक है, तो ऑर्गेनोमेटेलिक्स में हम बेसिकली अक्टूबर वीक फॉलो करते हैं. पूरा अक्टूबर का मंथ हमने फर्स्ट वीक में ये सब पढ़ा, सेकेंड वीक में ये सब पढ़ा, थर्ड वीक अभी चल रहा है. और थर्ड वीक में जो हम कर रहे हैं इस टाइम पर, थर्ड वीक में जो हमारा डिस्कशन चल रहा है वो है रिएक्शन ऑफ ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री. तो हम रिएक्शन ऑफ ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री पर बात कर रहे हैं. कल भी हमारी क्लास होगी रिगार्डिंग द स्ट्रेटेजी सेशन होगा CSIR नेट एग्जाम के लिए. तो आइए चलिए इन सवालों की तरफ बढ़ते हैं. पहला सवाल आपको नज़र आ रहा होगा, होप्स हो कि आपको क्लियरली विजिबल हो ये क्वेश्चन हमारा, ठीक है. तो इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है द डीकार्बोक्सीलेशन, ठीक है, इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है द डीकार्बोक्सीलेशन रिएक्शन, ठीक है ना. यहाँ पर आपको डीकार्बोक्सीलेशन रिएक्शन करनी है CIS CH3 CO, मैगनीज 13 कार्बोनिल, कार्बोनिल 4, इल्ड करता है XYZ. X ये बनाता है, Y ये बना है, Z ये बना है. इनका मोलर रेशो ऑफ द प्रोडक्ट आपको बताना था. इस क्वेश्चन में क्या बताना था? मोलर रेशो ऑफ द प्रोडक्ट. तो एक बार आप इस क्वेश्चन को पढ़िए, देखिए, और जो भी आपका ऑप्शन आपको सही लगता है वो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं. और यहाँ पर हम इस क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट की बात करेंगे. एंड आई यू नो ये एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है. मैं साथ ही में आपको इसका कॉन्सेप्ट बताऊंगी, ठीक है. मैं यहाँ पर आपको इसका क्या बताऊंगी? कॉन्सेप्ट बताऊंगी, ठीक है. यहाँ पर हम साथ में इसका क्या करेंगे? कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे. तो ये है हमारा कॉन्सेप्ट. हमें इस पर डिस्कशन करना है कि सबसे पहले मेरे पास कौन है? सिस दिया है इसने, खुद बताया कि सिस है. तो मैं मैग्नीज को बना लेती हूँ यहाँ पे, ठीक है. मैग्नीज बना लिया. मैग्नीज के साथ कितने कार्बोनिल है भाई? 4 कार्बोनिल है. तो आप 4 कार्बोनिल लगा दीजिए, फर्स्ट कार्बोनिल, सेकेंड कार्बोनिल, थर्ड कार्बोनिल, एंड दिस इज योर फोर्थ कार्बोनिल. अब अब आपको लगाना है CH3CO और एक 13C वाला भी आपका कार्बोनिल है. तो मैंने एक कार्बोनिल और लगा दिया और यहाँ पे मैंने क्या लगा दिया? अपना CO CH3. मुझे क्या करनी है? इसकी रिएक्शन करनी है. और रिएक्शन में डीकार्बोक्सीलेशन करना है. बच्चों, डीकार्बोक्सीलेशन का मतलब क्या होता है? कि कार्बोनिल का रिमूवल कर दे. डीकार्बोक्सीलेशन का मतलब क्या है? कार्बोनिल का रिमूवल कर देना. तो सवाल यहाँ पर ये आता है कि कौन सा कार्बोनिल जाएगा. इसने बताया, इसने बताने की कोशिश करी है कि किस कार्बोनिल को ये निकाल रहा है, किसको नहीं निकाल रहा. पहले वाला जो एक्स प्रोडक्ट है उसमें उसने 13 जो सी वाला कार्बोनिल था उसको निकाला एक्स में. तो फिर उसने कहा कि मैंने वाई में दूसरे वाला कार्बोनिल निकाला और जेड में ये वाला कार्बोनिल निकाला. एक में तो ये वाला कार्बोनिल निकाला, एक में कोई सिंपल कार्बोनिल निकाला. और अगर सिस है तो मान लो ये 13C है, मतलब 13C सिस कह सकते हो. और एक में उसने ये वाला कार्बोनिल, ये 3 कार्बोनिल के लिए XYZ उसने बनाया. तो अब सवाल ये निकलता है कि इनका रेशो आपको बताना. देखो, आप यहाँ पर डीकार्बोक्सीलेशन कर रहे हैं. अब डीकार्बोक्सीलेशन के अंदर आपने सबसे पहले अपना ये वाला कार्बोनिल यहाँ से क्या किया? कितने कार्बन है?
एक दो तीन चार पांच कार्बोनिल और एक ये सिक्स्थ है, आपने इस कार्बोनिल को यहाँ से बाहर कर दिया। मैं कंसीडर कर लेती हूँ, मतलब सबसे पहला केस मैं ऐसा मानकर चलती हूँ कि इसने 13C कार्बोनिल को निकाल दिया, ठीक है। 13C कार्बोनिल का मतलब ये नहीं कि यही 13C होगा, निकालेगा तो मिथाइल वाला, ठीक है। तो बेसिकली आपके पास आ गया मैगनीज, यहाँ पर आपका सपोज CH3, आपने कार्बोनिल को तो बाहर निकाल दिया, यहाँ पे कार्बोनिल, ठीक है, ये वाला कार्बोनिल आपने बाहर निकाल दिया, बाकी कार्बोनिल सारे जहाँ हैं वहीं के वहीं रहेंगे। तो ऐसे करके बाकी जो था वो वहीं निकाल दिया। एक तो ये मतलब पॉसिबिलिटी बनती है, कह सकते हैं कि ये वाला केस क्रिएट होता है, ये पॉसिबिलिटी बनती है। अच्छा, और क्या पॉसिबिलिटी बनती है जरा वो देखते हैं। मेरे पास मैग्नीज होगा, ठीक है, मेरे पास मैग्नीज है, मैग्नीज में हमने क्या किया, कार्बोनिल हमने फिर से एक और निकाल दिया। सपोज इस बार हमने क्या किया भाई, हमने ना ये मान लिया कि ये बिलो द प्लेन कार्बोनिल है और ये अबव द प्लेन है। तो इसमें तो मैंने बिलो द प्लेन को कुछ नहीं कहा, अबव द प्लेन को नहीं कहा। मान लो मैंने CH3 को यहाँ पे लगाया, तो अबव द प्लेन मेरा कार्बोनिल यहाँ पर है, इधर कार्बोनिल आ जाएगा, यहाँ पर कार्बोनिल और यहाँ पर भी कार्बोनिल। या फिर ये केस ऐसा ना होकर ऐसा हो सकता है, मैग्नीज यहाँ पर आपका कार्बोनिल, बिलो द प्लेन पे कार्बोनिल और अबव द प्लेन पे मिथाइल, ये भी पॉसिबिलिटी है, कार्बोनिल कार्बोनिल, तो ये भी एक प्रोडक्ट बन सकता है। और ऐसा हो सकता है कि मे बी जो आपका इस वाले केस में इसने क्या किया, ट्रांस पे है, इसमें ट्रांस है, इसमें तो सिस था, इसमें कुछ नहीं ऐसा दे रखा था, तो मतलब मेरे को बनाना पड़ेगा ना। देखो पहले वाला केस है ना, जो आपका एक्स वाला केस है, अगर आप अपने एक्स वाले केस को देखते हो, तो एक्स वाले केस में आपको सिस या ट्रांस कुछ नहीं आइडिया दे रखा था, तो ये वो है, आपने CH3 को यहाँ पे बनाया। बट अगले केस में वाई वाले में सिस होना चाहिए, तो दोनों मिथाइल मतलब मिथाइल के साथ कार्बोनिल ऐसे बना सकते हो, या फिर इसको यहाँ से बना सकते हो, तो ये आपके वाई बन गए, दो प्रोडक्ट बने, दो पॉसिबिलिटीज हैं। उसके बाद जो आपका जेड वाला आता है ट्रांस, वो कैसे बनेगा, उसको मैं यहाँ बनाती हूँ, मैग्नीज आएगा, ठीक है, यू हैव अ मैग्नीज, क्योंकि ये ट्रांस बनाना है। तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, 13C कार्बोनिल ले लिया, यहाँ पर हमने क्या ले लिया, 13C कार्बोनिल, मैग्नीज, यहाँ पे कार्बोनिल, ऐसे ऐसे ऐसे। अब मेरे पास क्या आ गया, यहाँ पे CH3 आ जाएगा, यहाँ पे कार्बोनिल, यहाँ पे कार्बोनिल, यहाँ पे कार्बोनिल, ठीक है। तो मेरे पास ये इसका ट्रांस बन गया, बट ये एक ही प्रोडक्ट बनेगा जेड। तो एक्स कितने रेशो बना, 1, वाई 2 और जेड आपका 1, तो आंसर क्या आएगा, 1:2:1, सेकेंड इज द राइट ऑप्शन, सेकेंड इज एब्सोल्युटली राइट ऑप्शन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। कहता CP मोलिबिडीनियम क्लोरीन 2 होल ट्वाइस ओबे द 18 इलेक्ट्रॉन रूल, द करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ द कंपाउंड इज, आपको करेक्ट स्ट्रक्चर बताना है, मैं एक सेकेंड बस पानी पी लेती हूँ। तो यहाँ पर उसने हमसे कहा सेकंड क्वेश्चन में, CP मोलिबिडीनियम क्लोरीन 2 ओबे द 18 इलेक्ट्रॉन रूल, द करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ द कंपाउंड, आपको करेक्ट स्ट्रक्चर बताना है, 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करता है। तो अगर आप यहाँ ध्यान से देखो, 18 इलेक्ट्रॉन है, बट यहाँ मोलिबिडीनियम 2 है, तो नो डाउट 18 × 2 करना पड़ेगा, 36 आएगा, 18 × 2 करना पड़ेगा, 36 आएगा, मतलब मेरे को 36 इलेक्ट्रॉन बनाने हैं।
अगर मैं अपने थर्ड ऑप्शन को देखूँ तो यहाँ पे मुझे थोड़ा लग रहा है कि ज़्यादा बन सकते हैं। दो तो सीपी मिल गए आपको, है ना, दो सीपी मिल गए आपको। दो सीपी के लिए आप कितना लिखोगे? 2 × 5 इज इक्वल टू 10। आपके पास मेटल मेटल का बोंड आ गया, आपको पता है मेटल मेटल का जब बोंड आता है तो उसके लिए भी हम दो इलेक्ट्रॉन ही काउंट करते हैं। क्लोरीन ब्रिज में है, जब जब क्लोरीन ब्रिज में होता है तो वो 3 इलेक्ट्रॉन, या फिर मतलब वो उसके ऊपर डिपेंड करता है वैसे, जो क्लोरीन है क्लोरीन ब्रिज में है और बाकी तो और कुछ नहीं है ना, बस क्लोरीन ही ब्रिज में है। अब यहाँ पर 4 क्लोरीन है आपके, 4 क्लोरीन है ब्रिज में है, तो ब्रिज में आप उसे क्या लेते हो? 4 क्लोरीन को ब्रिज में आप क्या लेते हो? 3 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग कराता है ब्रिज में वो, 4 ब्रिज में है क्लोरीन, 4 12 इलेक्ट्रॉन आ गया। अब बचे 2 मोलिब्डेनियम, मोलिब्डेनियम का नंबर क्या रहता है? 6। मोलिब्डेनियम का जो नंबर है वो कितना रहता है? 6। 2 मोलिब्डेनियम हो गए तो 2 × 6 = 12। अब जरा इसे प्लस करेंगे तो 2 और 2 4 और 1 6 और 1 2 3 36, तो 36 इलेक्ट्रॉन। थर्ड इज द राइट ऑप्शन। जो आपका करेक्ट ऑप्शन आएगा वो क्या आएगा? 36। तो ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट। आइए नेक्स्ट करते हैं। अमंग द गिवन प्लेटिनम कॉम्प्लेक्स द वन इज थर्मली मोस्ट अनस्टेबल। सबसे अनस्टेबल देखना आपने, जो आपका क्या है? अनस्टेबल होगा, थर्मली अनस्टेबल, जो सबसे ज्यादा अनस्टेबल है। थर्मली मोस्ट अनस्टेबल, ये तो आपको याद होगा कि जो थर्मली अनस्टेबल होगा, जो आपका थर्मली अनस्टेबल होगा वो काइनेटिकली स्टेबल होगा, काइनेटिकली स्टेबल। तो जो काइनेटिकली स्टेबल है वो थर्मली अनस्टेबल है, या थर्मली अनस्टेबल है वो काइनेटिकली स्टेबल है। तो फिर सोचिए कि क्या आंसर आप लगा सकते हो, क्या पॉसिबिलिटी है आपके पास यहाँ पर। देखिए इसमें आप ना ऐसे सोचिए कि डी ब्लॉक की बात हो रही है, डी ब्लॉक का मतलब ट्रांजिशन मेटल की बात हो रही है, और ट्रांजिशन मेटल में वैकेंट डी ऑर्बिटल प्रेजेंट होता है, और अगर वैकेंट डी ऑर्बिटल प्रेजेंट है तो आसानी से रिएक्शन होगी, यानी कि फास्ट रिएक्शन होगी। फास्ट रिएक्शन का मतलब है कि काइनेटिकली स्टेबल होगा। अब जिसके पास बीटा हाइड्रोजन एलिमिनेशन अगर आप कहीं कराते हो, तो अगर किसी एटम या किसी भी आपके ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, अगर आपके किसी भी ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड के पास बीटा हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो आप झट से रिएक्शन करोगे ना।
आप उस रिएक्शन को 1 या 2 मिनट में करने की कोशिश करोगे, यानी वो काइनेटिकली स्टेबल रिएक्शन है। भले ही प्रोडक्ट आपका थर्मोडायनेमिकली स्टेबल बने ना बने, बट आई थिंक दिस इज अ काइनेटिकली स्टेबल, तो वो काइनेटिकली स्टेबल तो होगी। अब हम क्या करेंगे इसमें, अब हमने इसमें कहा कि चलिए बात ये ठीक है, तो अब देखो कि इसमें बीटा हाइड्रोजन एलिमिनेशन होगा कहाँ पे, बीटा पोजीशन पे हाइड्रोजन होना चाहिए। देखिए ये आपकी अल्फा पोजीशन है, ये बीटा है, बीटा पे हाइड्रोजन नहीं है, कैंसिल हो गया। ये आपकी अल्फा पोजीशन है, यहाँ बीटा है, यहाँ हो सकता है पर क्यों नहीं होगा अभी देख लेंगे वो भी। यहाँ पर अल्फा पोजीशन है, बीटा पे हाइड्रोजन है, हो सकती है रिएक्शन। ये आपकी अल्फा है, बीटा पे हाइड्रोजन नहीं मिलेगा आपको, तो आप यहाँ पर भी रिएक्शन नहीं करेंगे। तो इसका आंसर सिर्फ थर्ड आता है कि थर्ड वाला थर्मली अनस्टेबल है, क्योंकि ये वाला क्या है, स्टेबल है ड्यू टू द रिंग। आप यहाँ से करोगे तो एरोमेटिक टाइप बन जाएगा, ये स्टेबल बन जाएगा, ये भी स्टेबल हो जाएगा। आपको चाहिए था जो अनस्टेबल हो, तो वो सिर्फ थर्ड वाला है। मतलब अगर आप यहाँ से निकालते हो तो ये क्या करेगा, उसे अनस्टेबिलिटी प्रोवाइड कराएगा। एक तो बंदा खुद नेगेटिव, आप वहाँ से हाइड्रोजन निकाल रहे हो तो वो नेगेटिव ही बनेगा, है ना, वो नेगेटिव बनेगा। एक तो वो खुद इंसान नेगेटिव है, और आप और अल्काइल ग्रुप को लगा रहे हो तो वो थर्मली अनस्टेबल होगा। बाकी सारे के सारे, ये तो होगा ही नहीं, ये तो होगा ही नहीं क्योंकि बीटा हाइड्रोजन नहीं है। ये वाला हो सकता था, बट यहाँ पर ये स्टेबलाइजेशन आ जाएगी बाय द रिंग, और ये वाले में SP बन जाएगा, ये भी स्टेबलाइज हो जाएगा। ठीक है, थर्ड इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉलीहेड्रल इलेक्ट्रॉन काउंट रूल द स्ट्रक्चर आपको बताना है इसका। तो पहले आप इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट निकाल दो, उससे आपका आंसर आ जाएगा। सबसे पहले वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट निकालिए इसका। टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट रोहिडियम का कितना आ जाएगा, 9 × 6 16 × 2 लगभग 86 आएगा। तो पॉलीहेड्रल इलेक्ट्रॉन काउंट निकालना है पहले आपको। वो कैसे निकलता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट को माइनस के 12 एन कर दो, यानी 86 माइनस के 12 एन टू एन, यानी 72, 14 आ गया। और 14 किसका आता है, क्लोज होगा 14 किसका आता है, क्लोज होगा 14 किसका है, क्लोज होगा। आगे चलते हैं। अमंग द फॉलोइंग द बोरेन्स हिट्रोबोरेन्स क्लोजो इनमें से कौन सा है, काफी अच्छा क्वेश्चन है, इनमें से आपको बताना है क्लोजो कौन सा आपका। ये क्वेश्चन मेरे एग्जाम में आया, ये क्वेश्चन एज इट इज आया मेरे एग्जाम में, और उसमें शायद ये ऐसे नहीं आया, ये ऐसे ही सेम ही आया है। हाँ सेम ही आया कि आपको बताना है इसमें क्लोजो कौन सा है। बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सेम मेरे पेपर में ये क्वेश्चन आया था अभी, तो वही मैं कह रही हूँ क्वेश्चन ना इधर से उधर चिपकाए जाते हैं। अब मुझे पता है कि जो किसके लिए, क्लोजो के लिए आप जिसको देखते हो वो क्या होता है, BnHn2-
मतलब टू नेगेटिव आपको क्लोजो देता है। अगर मैं जर्मेनियम को देखती हूँ तो जर्मेनियम कार्बन वाली फैमिली से आता है तो बी एच मिल गया। सी टू किसकी फैमिली से आता है? बी एच की फैमिली से, ये मिल गया, ये बी नाइन को मैंने ऐसे ही किया, ये एग्जाम में भी बैठ के उधर क्वेश्चन एच इलेवन आ गए, ये नाइन है, तो नाइन ही हो गए, टेन और एक इलेवन, मुझे बी इलेवन मिला। फिर हाइड्रोजन कितने? इलेवन तो ये रहे, पर दो बी एच थे ना तो यहाँ पे टू टू आना चाहिए था, तो यहाँ पे ट्वेल्व आ जाएगा, ग्यारह बारह तेरह चौदह फोर्टीन हो गए। तो फिर ना मेरे को खुद ही यहाँ पे ना अपने आप आइडिया लगा कि भाई ये ना ऐसे करके बन गया टू नेगेटिव, और टू नेगेटिव क्लोजो होता है, नाइडो नहीं होता। पहले क्लोजो आता है फिर नाइडो एरकैनो, ऐसे आता है क्लोजो नाइडो एरकैनो, ठीक है, क्लोजो नाइडो एरकैनो सी एन ए, ऐसे याद कर लो। ये क्वेश्चन एज इट इज मेरे एग्जाम में आया था। फिशर कार्बिन जो होती हैं वो क्या होती हैं? आपको बताना है बेसिकली कि फिशर कार्बिन कैसी होती है, न्यूक्लियोफाइल या सिंगलेट या ट्रिपलेट, क्या होती है फिशर कार्बिन? जो फिशर कार्बिन होती है वो आपकी इलेक्ट्रोफाइल और सिंगलेट होती है, जबकि जो आपकी शरोक कार्बिन होती है वो न्यूक्लियोफाइल और ट्रिपलेट होती है। फिशर कार्बिन इलेक्ट्रोफाइल और आपकी सिंगलेट की तरह ट्रीट करती है। तो ये कुछ क्वेश्चन थे हमारे ऑर्गेनोमेटेलिक रिएक्शन के। अभी आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, अगर आप अनअकेडमी पर सी एस आई आर नेट की तैयारी करना चाहते हैं तो दिस इज़ अ प्राइस ड्रॉप अलर्ट ऑन अ सी एस आई आर नेट आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। अभी प्राइसेस थोड़ा कम हो चुका है, यहाँ देख सकते हैं 6 मंथ का सब्सक्रिप्शन 14,000 में, एंड ये सभी बेनिफिट्स आपको मिलेंगे। साथ ही साथ यहाँ पर आप देख सकते हैं ये ऑफ़र आपका लिमिटेड पीरियड ऑफ़र है, 6 मंथ के साथ 3 मंथ का फ्री एक्सटेंशन, 1 ईयर के साथ आप देख सकते हैं। सभी इंपॉर्टेंट लिंक्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे, फिर भी कोई डाउट हुआ तो बताइएगा। ये सभी बेनिफिट आपको सब्सक्रिप्शन के मिलेंगे, और अगर आप अलका कैम को यूज़ करोगे तो अलका मैम की आपको मेंटोरशिप मिलेगी कि एग्ज़ाम को क्रैक करना कैसे है, ठीक है, एग्ज़ाम को कैसे क्रैक करना है उसका मेंटोरशिप आपको मिलेगा, ठीक है। थैंक यू सो मच टू वॉच दिस वीडियो, बाय बाय, टेक केयर।